नमस्कार, मेरा नाम नीलिमा दस्ट है। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन पार्लस गाँव से बात कर रही हूँ। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है हमारे शरीर में ड्राई आइस लेने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ड्राई आइस होती क्या है। ड्राई आइस एक सॉलिड कार्बन डाई ऑक्साइड होती है जो -78 डिग्री में रहती है। ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और फ्लेमलेस होती है। इसके सेवन से हमारे शरीर पे बहुत प्रकार की हानियां हो सकती हैं। जैसे इसको लेने के बाद अगर आप किसी भी सिचुएशन में इसको ले रहे हैं एज अ माउथ फ्रेशनर, और अगर उसमें भी अगर आप ले रहे हैं तो इससे आपका मुंह जल सकता है। अगर आप बहुत एक्सीड अमाउंट में ले रहे हैं, आपका नली, फूड की नली है जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, वो जल सकता है। और आपका पेट के आते, जिसे हम स्टमक कहते हैं, जब इन पे बर्निंग सेंसेशन होगी तो आपका जितने भी अगर आप न्यूट्रिटिव वैल्यू या फूड पार्टिकल्स आप ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आप उनको निगल नहीं पाएंगे और आपका जो स्टमक है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब इससे आपके शरीर पे क्या क्या दिक्कतें आएंगी। आपका माउथ अल्सर्स रहेंगे जो बहुत एक्सेस अमाउंट में बढ़ सकते हैं, जिससे आप कोई भी खाना आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं खाएंगे। हमारे एक अच्छे पाचन क्रिया के लिए हमारा मुंह जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल करता है। जब आप खाने को चबाते हैं तो आपका डाइजेशन वहीं से शुरू होता है, वो नहीं होगा, आपका फूड पाइप से आप सॉलो नहीं कर पाएंगे और आपके स्टमक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स हैं। अब ये जब नहीं होगा तो आपका वेट गिरेगा, आपको सीवियर वीकनेस फील होनी शुरू होगी, आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। अदर लक्षण इसके ये है कि आपको सीवियर ब्लड वॉमिटिंग हो सकती है, आपका जो एसोफेगस है वो आपका पेन करेगा और आपको ब्लोटिंग रहेगी जो एक्सेसिव अमाउंट में जा सकती है। जब ये लक्षण आपको अपने शरीर में दिखने लगे तो आपको उस टाइम पे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और इसका ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। इसीलिए अगर आप कुछ भी ऐसे पदार्थ यूज़ करें तो उसका इस्तेमाल एक बहुत कम लिमिट में होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप माउथ फ्रेशनर के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है आपका इलायची, जिसे हम हरी इलायची कहते हैं, एंड क्लोव, जिसको हम लौंग कहते हैं। धन्यवाद।